बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फूड रॉक्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिल सके। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भुना मटन मसाला की रेसिपी। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो कुछ यूँ हैं: मटन, हरी मिर्च, कुटा हुआ अदरक लहसुन, टमाटर, प्याज, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, काली मिर्च, बादयान हताई, मोटी इलायची, दालचीनी के पत्ते, कसूरी मेथी, ज़ीरा और नमक। सबसे पहले हम एक हांडी ले लेंगे, कढ़ाई ले लेंगे। तेल डालने के बाद इसमें जो सूखे मसाला जाता है, दालचीनी, मोटी इलायची और बादयान हताई डाल देंगे। इसके बाद इसमें ये प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे और प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि अब इसमें कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे। अदरक लहसुन डालने के बाद इसमें 1.5 चम्मच के करीब सुरख मिर्च डाल देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे इसमें, और 1 चम्मच के करीब इसमें नमक डाल देंगे। टमाटर डाल देंगे इसमें। मटन और मटन डालने के बाद इसमें तकरीबन 4 से 5 कप पानी लगाएंगे। और इसको ढक्कन की मदद से कवर कर देंगे। कम से कम भी 45 मिनट के लिए इसको ऐसे पकने देंगे ताकि मटन जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए। मटन जो है वो अच्छे से गल चुका है। फ्लेम जो है इसका हाई कर देंगे और इसमें से पानी जो है इसको अच्छे से खुश कर लेंगे। जैसे जैसे मटन में पानी खुश्क हो रहा है, दूसरे मसाले भी इसमें डाल देंगे। ज़ीरा डालेंगे, काली मिर्च डाल देंगे और कुटा हुआ धनिया डाल देंगे।
और इसी दौरान हम इसमें 2 से 3 चम्मच ऑलिव ऑयल के डालेंगे। ऑलिव ऑयल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें, अगर है तो डाल लें। मटन को इतना पकाएंगे कि ये जो है वो साइडों से तेल छोड़ना शुरू कर दें, तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन होगी कि हमारा मटन जो है अच्छे से भून चुका है और इसका मसाला जो है अच्छे से तैयार हो चुका है। अभी भी आप देख रहे हैं साइडों से तेल छोड़ रहा है, लेकिन ये अभी तक सही नहीं तैयार हुआ। इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च डालने के बाद इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, इन सब चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसके ऊपर गरम मसाला जो है वो छिड़क देंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे और फ्लेम जो है उसको ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये मिट्टी की हांडी की एक ये चीज़ होती है कि खुद ही पकती रहती है। जब इतनी ये गर्म हो चुकी होती है कि अगर आप इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे तो ये 10 मिनट तक पकती रहेगी। तो इस वजह से मैंने फ्लेम ऑफ कर दिए। अगर आप स्टील के बर्तन में या फिर सिल्वर के बर्तन में या नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो इसको फिर आप 5 से 6 मिनट के लिए दम पे बिल्कुल धीमी आंच पे रखते हैं। इसको मैंने अनकवर किया है और आप देख सकते हैं कि भुना मटन मसाला जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। हांडी में तेल जो है वो अच्छे से छोड़। भुना मसाला मटन या भुना हुआ मटन मसाला जो है वो रेडी हो गया। बहुत ही कमाल की, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनी है, कमाल की चीज़ बनती है ये। इसको गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करें, अगर आपको रोटी पसंद है तो रोटी भी के साथ सर्व करें, अगर तंदूर की रोटी है तो ज़्यादा उसके साथ मज़ा करती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल फूड रॉक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें, फूड रॉक्स 2021 को। अल्लाह हाफिज़।